हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं MS Excel और MS Excel सीखने की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन MS Excel का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पावरफुल ऑप्शन है, जिसके मदद से हम किसी भी डेटा के ऊपर वैलिडेशन लगा सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस लॉजिक। जो भी आपका बिजनेस लॉजिक होगा उसके हिसाब से हम किसी भी डेटा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई इस टाइप का कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, डेटा वैलिडेशन क्लास को। तो डेटा वैलिडेशन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेटा वैलिडेशन दिखाना चाहूंगा कि वो ऑप्शन है कहाँ और उसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा डेटा टाइप के अंदर, तो आपको सबसे पहले डेटा टाइप के अंदर जाना होगा। तो हम डेटा टाइप में पहुंचते हैं और डेटा टाइप में जाने के बाद हमारे पास डेटा टूल्स ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर हमें एक डेटा वैलिडेशन नाम का ऑप्शन मिलता है और इसमें आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं, जो कि पहला है डेटा वैलिडेशन, दूसरा है सर्किल वैलिडेट डेटा एंड थर्ड नंबर है क्लियर वैलिडेशन सर्किल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सर्किल्स बनेगा आफ्टर वैलिडेशन के बाद, लेकिन हमें जो समझना है वो समझना है वैलिडेशन। तो वैलिडेशन को समझने के लिए हम वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक विंडो अपीयर हुआ है और ये विंडो क्या कहता है इसको जरा हम समझें। तो यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स दिखाई दे रहा है, कुछ इनपुट मैसेज का टैब दिखाई दे रहा है एंड एरर अलर्ट का मैसेज दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको तीन तरीके का सेटिंग्स करने होते हैं, तीन तरीके का ऑप्शंस आपको दिखाई देगा। और सेटिंग है, सबसे पहले हम सेटिंग को देखिए। तो यहां पे हमें पूछ रहा है अलाउ, अलाउ में क्या पूछ रहा है, एनी वैल्यू, जो कि डिफॉल्ट है, हमसे कुछ पूछ नहीं रहा, ये डिफॉल्ट दिया हुआ है एनी वैल्यू। एनी वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा सेल है हम इस सेल में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई नंबर लिख सकते हैं, कोई डेसिमल नंबर लिख सकते हैं, कोई टाइम लिख सकते हैं, व्हाटएवर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, एनी वैल्यू। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा एंट्री हो रहा है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे, कुछ नियम है, कुछ कानून है, उनके हिसाब से ये काम करे। जो भी आपका बिजनेस लॉजिक होगा उसके हिसाब से ये एंट्री हो। जैसे मान लेते हैं कि हम एक सिनेरियो लेते हैं कि कोई आप सैलरी एंट्री कर रहे हैं और सैलरी का जो डेट होना चाहिए वो आज का ही डेट एंट्री होना चाहिए, आने वाले कल का डेट या बीते हुए कल का डेट का हम एंट्री नहीं कर रहे हैं। जो भी आपका आज का डेट होगा बस हम आज के डेट में ही एंट्री करने वाले हैं। तो इस केस में हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कोई हमारे प्रीवियस डेट में एंट्री ना करे और कोई आके हमारे आने वाले कल की एंट्री ना करे, यानी कि कोई एडवांस सैलरी ना उठा सके और कोई प्रीवियस छूट गया है तो वो भी उसका छूट गया, यानी कि डेट एंट्री जब भी हो तो आज का ही डेट हो, जो भी सिस्टम का करंट डेट और टाइम हो रहा होगा उसके हिसाब से आज के डेट में एंट्री होना चाहिए। तो इस टाइप के अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो हम बड़े आसानी से लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैलिडेशन। और यहां पे आपको ऑप्शन देखने को मिले जाएगा, जो अलाउ वाला ऑप्शन है इसको जरा ध्यान से देखें। तो इसमें आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा ऑप्शन दिख रहे हैं एनी वैल्यू के अपेक्षा। तो एनी वैल्यू के बाद आता है होल नंबर, अगर आप एक भी समझ जाएंगे तो बाकी सारे के सारे आप समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। होल नंबर का मतलब है कि जो भी हम रेंज, जो भी सेल सिलेक्ट करके अगर हम इस वैलिडेशन सेटिंग करते हैं तो वो उसमें वही एंट्री होगा, उसके अलावा कोई थर्ड एंट्री नहीं होने वाला। ओके, जैसे कि मैं बात करूं कि यहाँ पे ये जो मेरा रेंज है जिसमें लिखा हुआ है होल नंबर, और इसमें हम चाहते हैं कि केवल और केवल नंबर एंट्री हो, कोई टेक्स्ट एंट्री ना हो, कोई डेट एंट्री ना हो, कोई टाइम एंट्री ना हो, केवल और केवल नंबर एंट्री हो, तो वो नंबर एंट्री करना है तो उसके लिए हम यहाँ से चूज कर लेंगे होल नंबर। ठीक है, लेकिन आपको मैं और भी सेटिंग्स दिखाना चाहूँगा कि अगर मैं होल नंबर चेकआउट करता हूँ तो इसके बाद हमारा जो नंबर एंट्री हो वो कहाँ, कौन सा डेटा एंट्री हो, तो उसके लिए हमें कुछ टर्म एंड कंडीशन देने होते हैं। फॉर एग्जांपल बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, और लेस दैन और इक्वल टू। तो यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जो कंडीशन है, जो किसके ऊपर अप्लाई होने वाले हैं, होल नंबर के ऊपर अप्लाई होने वाले हैं। ओके, तो यानी कि हम नंबर तो एंट्री करेंगे लेकिन उसके ऊपर कौन सा कंडीशन लगे, और इसी कंडीशन को तो वैलिडेशन कहते हैं। नंबर एंट्री हो बट 10 to 50 के बीच में एंट्री हो,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम 10 से 50 के बीच में कोई भी नंबर एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये ग्रेटर देन 50 हो या लेस देन 10 हो तो वो हमें एक एरर मैसेज दे, और एरर मैसेज हम खुद भी सेट कर सकते हैं और वो कुछ डिफॉल्ट भी देता है। खुद से सेट करने के लिए हम एरर अलर्ट में चलते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे कोई सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम इनको कैंसिल करते हैं और हम एक एक एग्जाम्पल को समझते चलते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे होल नंबर को। होल नंबर को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं होल नंबर। और हमने जैसे कि कंडीशन बताया कि हमें बिटवीन देना है कहाँ से कहाँ तक, तो मिनिमम हम देना चाहते हैं कि कम से कम 10 हो और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम 50 होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे कंडीशन मेरा बिटवीन है। आप अपने बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, वट एवर जो भी आपका बिजनेस लॉजिक है, जो भी आप टास्क कर रहे हैं, जैसा आपका टेबल है, आप अपने टेबल के हिसाब से कंडीशन लगाएं और उसी के हिसाब से यहाँ पे एंट्री करेंगे, ओके। तो फिलहाल मैं बस इतना होल नंबर करके आगे मैं इनपुट मैसेज एरर अलर्ट भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं सेटिंग को ओके करता हूं और जस्ट अब हम एंट्री करने वाले हैं, ओके। तो मैंने यहां पे एंट्री किया 12, कोई इशू नहीं आ रहा। मैंने यहां पे एंट्री किया 23, कोई इशू नहीं आ रहा। 56, अब देखिए बाय मिस्टेक मैंने 56 एंटर कर दिया। अब 56 क्या एक्सेप्टेबल है? जैसे मैंने एंटर बटन प्रेस किया, आपने यहाँ नोटिस किया होगा कि एक मैसेज पूछ रहा है, एक मैसेज हमें दिया, और ये मैसेज क्या दे रहा है, जरा इस मैसेज को जरा पढ़ें। तो यहाँ पे लिख रहा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो सेल है, ये जो एरिया है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है और जो वैलिडेशन लगा है उस वैलिडेशन को वो फुलफिल नहीं कर रहा है, वो मैच नहीं कर पा रहा है। यानी आप इसमें क्या करो, तो रिट्राई करो, आप फिर से ट्राई करो। तो हमने यहाँ पे एंटर किया 50, ओके। तो ये 50 एक्सेप्टेबल हो गया बिकॉज कि हमारा जो टर्म एंड कंडीशन है, जो लॉजिक लगाया हमने, जो हमने वैलिडेशन लगाया, वो 50 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट हो चुका है। अगर मैं लेस देन 10 डालूँ तो क्या होगा, क्या एक्सेप्ट होगा? जैसे मैंने 9 एंटर किया और जैसे मैंने एंटर किया, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने फिर से इसको रिट्राई किया और यहाँ पे अब हम 90 डाल लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो चुका है बिकॉज कि ये 10 टू 50 के बीच में बिटवीन में आ रहा है। तो जो भी हमारा टर्म एंड कंडीशन होगा, जो भी हमने लॉजिक लगाया, उस हिसाब से हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा हम एरर अलर्ट को भी जरा समझे। तो एरर अलर्ट के लिए हमने फिर से इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, डेटा वैलिडेशन में हम चलते हैं और यहाँ पे एरर अलर्ट है। और एरर अलर्ट हम तीन तरह से दे सकते हैं, जिसमें पहला है स्टॉप और दूसरा है वार्निंग एंड तीसरा है इंफॉर्मेशन। स्टॉप का मतलब होता है कि अगर आपने कोई एरर किया है तो वो रिट्राई ही करेगा, यानी कि आप उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर वैलिडेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आपको दोबारा से एंट्री करना होगा। वार्निंग कहता है ये है कि आपको एक वार्निंग देगा, यानी कि जब आप गलत एंट्री करोगे तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा, आपको एक वार्निंग दे देगा कि आप गलत ही कर रहे हो, आप इसे सुधार लो और आप आगे भी बढ़ सकते हो, यानी कि सुधारने का भी चांस देगा और आगे बढ़ने का भी चांस दे देगा, ठीक है। लेकिन इन्फॉर्मेशन जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देगा कि आपने जो एंट्री किया वो गलत एंट्री किया है, बाकी रिट्राई करने का चांस नहीं देगा, रिट्राई करने का ऑप्शन नहीं देगा, वो जस्ट ओके करके आगे बढ़ जाएगा। तो ये बेसिकली तीन टाइप्स के हैं, पहला है स्टॉप, दूसरा है वार्निंग एंड तीसरा इन्फॉर्मेशन है। बारी बारी से हम सबको करेंगे। और यहाँ पे अगर आप अपना एरर मैसेज देना चाहते हैं, जैसे कि वो डिफॉल्ट एरर मैसेज आ रहा था कि ये वैलिडेशन को मैच नहीं कर रहा है, और उस टाइप से आप अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो वो मैसेज आप यहाँ पे टाइप कर देंगे तो आपका खुद का एरर मैसेज आने लगेगा। इनपुट मैसेज क्या करता है? तो इनपुट मैसेज ये बताता है कि आप उस सेल पे, किसी भी सेल पे कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप इनपुट मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, ओके? चलिए हम इनको यूज करेंगे। हम अगले वाले टेक्स्ट लेंथ को जरा समझते हैं। टेक्स्ट लेंथ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको समझते हैं। इसको हमने, हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप इन सभी ऑप्शंस को अप्लाई करेंगे, पहले आप सेल सेलेक्ट करेंगे, वैलिडेशन लगाएंगे, फिर एंट्री करेंगे। पहले से एंट्री किए हुए डेटा में हम वैलिडेशन नहीं लगाएंगे, वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, इसलिए आपको डेटा एंट्री करने से पहले आपको वैलिडेशन लगाना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहाँ से टेक्स्ट लेंथ वाले वैलिडेशन को देखते हैं। तो हम यहाँ से क्या चूज कर लेते हैं, हम यहाँ से चूज कर लेते हैं लेंथ, ओके, टेक्स्ट लेंथ। अब टेक्स्ट लेंथ हम क्या करने वाले हैं, तो सपोज मान लीजिए हम कुछ ऐसा एंट्री कर रहे हैं जिसका लेंथ फिक्स हो, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर,
या आधार नंबर या अकाउंट नंबर हम कुछ ऐसा एंट्री कर रहे हैं जिसका लेंथ पहले से फिक्स है, जैसे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होगा, आधार नंबर 12 डिजिट का होगा, तो ये पहले से फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है, तो वैसे में हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम एंट्री करते वक्त बाई मिस्टेक कम या ज़्यादा नंबर लिख देते हैं, तो उस टाइम पे हमें एक वार्निंग मैसेज मिल जाए, एक एरर मैसेज मिल जाए कि आपने कम नंबर एंटर किया है या फिर आपने ग्रेटर देन नंबर एंटर किया है। ओके, तो उस टाइप से अगर हमने करना है तो हम यहाँ से क्या यूज करेंगे, तो हमें यूज करना चाहिए इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोबाइल नंबर एंटर कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर का लेंथ कितना होना चाहिए, बिल्कुल 10 डिजिट ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे जनरली क्या करते हैं कि कुछ लोग जीरो लगा देते हैं या फिर प्लस 91 लगा देते हैं, अपने कंट्री कोड लगा देते हैं, तो हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि यू एंटर ओनली 10 डिजिट मोबाइल नंबर। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यू एंटर ओनली 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ठीक है। हमने बस एक सिंपल सा मैसेज दे दिया, हमने यहाँ पे लेंथ बता देते हैं टेक्स्ट, हमने एक टाइटल दे दिया, टेक्स्ट लेंथ दे दिया टाइटल, और इसका मैंने मैसेज दे दिया यू एंटर ओनली 10 डिजिट मोबाइल नंबर, आपको कोड या फिर जीरो आगे लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर कोई एरर मैसेज देना चाहे, चलो मैं एरर मैसेज को नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, बट फिलहाल मैं ओके करता हूँ। और यहाँ पे अब आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ होल नंबर वाले सेल को सिलेक्ट कर रखा हूँ तो कोई इशू कोई मसला नहीं आ रहा, और लिस्ट वाले को भी अगर हमने सेलेक्ट किया तो इसमें भी कोई इशू नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही हम टेक्स्ट लेंथ वाले सेल को करते ही एक हमारे पास मैसेज आ जाता है, और ये मैसेज टेक्स्ट लेंथ के लिए बता रहा है, और यहाँ पर जो मैंने मैसेज वहाँ पर टाइप किया था सेम मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि यू एंटर ओनली 10 डिजिट मोबाइल नंबर। और मैं यहाँ से एक मोबाइल नंबर डमी मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ जो कि 10 डिजिट है, और जैसे मैंने एंटर किया ये एक्सेप्ट हो गया, लेकिन जैसे मैंने कुछ कम नंबर एंटर किया है, ठीक है, और मैं एंटर कर लेता हूँ और मैंने एंटर बटन प्रेस किया, तो यहाँ पे एक वही मैसेज आ रहा है, एरर मैसेज आ रहा है। अगर एरर मैसेज आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। मैंने बस अपने वैलिडेशन वाले एरिया को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद फिर से वैलिडेशन में जाएं, एरर मैसेज है, यहाँ पे मैं मैसेज देना चाहता हूँ योर मोबाइल नंबर इज लेस देन और ग्रेटर देन 10 डिजिट, ठीक है। मैंने एक मैसेज दे दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर, ठीक है, एरर मैसेज। आप अपने हिसाब से जो भी टाइटल देना चाहते हैं टाइटल दे सकते हैं, आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज दे देते हैं, कोई इशू नहीं है, आप अपने हिसाब से ओके कर लीजिए, ठीक है। और जस्ट मैंने ओके किया, तो यहाँ पे अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कोई रॉन्ग इनपुट करते हैं, मैंने कम नंबर एंटर किया और जस्ट मैंने ओके किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा मैसेज है वो मेरा मैसेज आ रहा है, ऊपर टाइटल भी आ रहा है एरर मैसेज, और यहाँ पे लिख रहा है योर मोबाइल नंबर इज इन सॉरी यहाँ पे इज इन हो चुका है, योर मोबाइल नंबर इज लेस देन और ग्रेटर देन 10 डिजिट होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से मैसेज टाइप कर सकते हैं, टाइप करने में बाई मिस्टेक हो चुका है, एनीवे तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ क्या बताना चाह रहा है। बताना ये चाह रहा है कि जो भी आपका मोबाइल नंबर इंटर हो वो 10 डिजिट का होना चाहिए, अगर कम एंटर हो रहा है या ज़्यादा एंटर हो जाएगा तो फिर वो एरर आने लगे, ठीक है। जैसे मैंने एंटर बटन प्रेस किया फिर से ये वही मैसेज देने लगा जो कि मैंने लिखा। ओके, तो अब आप समझ चुके होंगे कि टेक्स्ट लेंथ का काम क्या है, और इस तरह से आप अपने बिजनेस लॉजिक के हिसाब से आप ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आता, ठीक है। एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है लिस्ट, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से। अब बाकी में सब यही है, अगर आप लेंथ लगाना चाहते हैं लेंथ कर सकते हैं, और डेट है टाइम है सब में ग्रेटर देन बिटवीन लेस देन इक्वल टू सब है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। एक लिस्ट है जो कि अलग है, थोड़ा सा लिस्ट भी हम समझा देते हैं। मान लीजिए कि कहीं पे कोई नाम लिखा हुआ है, ओके, जैसे कि मैंने नाम का लिस्ट बना लिया यहाँ पे, और ये सब ऑटोफिल के मदद से हो रहा है। अगर आप ऑटोफिल नहीं जानते हैं ये कैसे हुआ तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं कि ये एक्चुअली कैसे बनता है। मैंने इसका सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये जो लिस्ट है, मैं इस लिस्ट का यहाँ पे लिस्ट बनाने वाला हूँ, अपने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट बनाने चाहता हूँ। जैसे कि हम जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वैलिडेशन वाले ऑप्शन पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन ओपन हो रहे हैं ना, तो कुछ ऐसा ही हम भी बनाना चाहते हैं कि हम जैसे
जैसे ही यहाँ पे नेम पे क्लिक करे तो यहाँ पे जितने भी ये नाम का लिस्ट है सारे के सारे लिस्ट बन जाए। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेटा वैलिडेशन में जाना होगा और यहाँ से सेटिंग में आपको क्या करना होगा, तो लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिस्ट सिलेक्ट किया और लिस्ट में यहाँ पे सोर्स पूछ रहा है कि कहाँ का लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट जो बना हुआ है लिस्ट सिलेक्ट करने के लिए हमने इस विंडो को थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं और यहाँ पे मैंने ये जो नेम वाला लिस्ट है मैंने इसको जस्ट सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, ओके करना है। बिल्कुल, अब यहाँ पे आप गौर फरमाएं जरा कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू लिस्ट, एक कॉम्बो लिस्ट, कॉम्बो बॉक्स इसको बोलते हैं, कॉम्बो बटन बन चुका है जिसपे हम जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे कि सारे के सारे लिस्ट यहाँ पे बन चुके हैं और हम एक ही सेल में जब चाहे तब हम नाम की एंट्री कर सकते हैं और जो नाम चाहे हम वो नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है जिसके मदद से आप बहुत ही अच्छा एक ड्रॉप डाउन मेनू लिस्ट तैयार कर सकते हैं और इसमें पूरे के पूरे टेबल होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका टेबल कहीं और है और आप लिस्ट कहीं और बना के काम कर सकते हैं। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है VLOOKUP एंड HLOOKUP में इसका बहुत ही बेहतरीन यूज होता है। आप VLOOKUP HLOOKUP अगर नहीं जानते हैं तो ऊपर मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आप वहाँ से देख सकते हैं VLOOKUP HLOOKUP कैसे यूज किया जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जॉब परस्पेक्टिव से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है VLOOKUP HLOOKUP। और डेटा वैलिडेशन तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो डेटा वैलिडेशन में हमने बहुत कुछ समझा और इनके बारे में हमने बहुत कुछ देखा भी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और एरर अलर्ट के बारे में अगर हम जान लें तो एरर अलर्ट के लिए हम थोड़ा सा टेक्स्ट लेंथ में आते हैं और यहाँ पे मैं एरर अलर्ट लगाने वाला हूँ। अब चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको, वैलिडेशन में मैंने गया और यहाँ पे मैं वार्निंग लगा देता हूँ और मैसेज मेरा वही रहेगा। ओके, जस्ट मैंने ओके किया और अब देखें कि मैंने बस 3 नंबर टाइप किया जबकि मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट का है। जैसे मैंने 10 डिजिट किया ये हमें वार्निंग दे रहा है और वार्निंग मेरा वही मैसेज है जो कि मैंने लिखा था और यहाँ पे देखिए कह रहा है कंटिन्यू करेंगे तो यस, यानी कि ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा जो कि मैंने 4 नंबर 5 नंबर जो भी लिखा है ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर नो कर देंगे तो रिट्राई करने का ऑप्शन दे देगा, है ना। तो अगर मैं यस करता हूं तो ये एक्सेप्ट हो चुका है। तो वार्निंग और स्टॉप में आप अंतर समझ सकते हैं। वार्निंग में क्या है कि एक वार्निंग दे रहा है, अगर नो करेंगे तो रिट्राई करने का ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, अगर मैं अब एंटर करूं तो क्या होगा, देखो फिर से वो मैसेज हमें दे रहा है और हम यहां से अगर यस करके आगे बढ़ गए तो ये तो गलत हो रहा है ना, जबकि मोबाइल नंबर के लिस्ट में टेक्स्ट का क्या यूज है, है ना। तो ये गलत हो रहा है। अब हम जितने भी गलती किए हैं अगर उन गलती को मार्किंग करना है तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद सर्किल इनवैलिड डेटा है और आप अपने जो भी लेंथ है जो भी एरिया है उस एरिया को सिलेक्ट करते हुए आप इस ऑप्शन को अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर नोटिस करें कि जो जो मेरा इनवैलिड एंट्री है, इनवैलिड डेटा है, उसको उसने सर्किल कर दिया। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, इसको मैं जरा अगर हटाना की कोशिश करूँ तो यहाँ पे है क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स, सर्कल्स को हटाया जा सकता है बड़े आसानी से, फिर से अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ओके, तो आपके डेटा में कहीं भी अगर इनवैलिड डेटा एंट्री हुआ है तो वो उसको मार्किंग करने के लिए यूज किया जाता है। मान लो कि हजारों डेटा है जिसमें कि 8-10 जगह गलत एंट्री हुआ है, उन चारों 8-10 को आपको क्या करना है, मार्किंग करना है, अपने बॉस को दिखाना है, तो उसको आप मार्किंग करके दिखा सकते हैं। ओके, और इसका बहुत सारा एप्लीकेशन हो सकता है, कोई एक एप्लीकेशन नहीं होगा। जैसा आप काम कर रहे हो, काम में इन सबको अगर यूज करोगे तो आप एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनली काम कर सकते हो और बहुत ही बेहतरीन काम कर सकते हो और आपके जो बॉस होंगे वो बिल्कुल आपसे बहुत खुश रहेंगे, आपका प्रमोशन भी कर देंगे। ओके, क्योंकि आपका काम बहुत परफेक्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये छोटा सा क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा, डेटा वैलिडेशन आपको समझ आया होगा कि डेटा वैलिडेशन एक्चुअली है क्या और इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे। तो मैं एक बार समराइज करके बता दूं कि डेटा वैलिडेशन का यूज हम डेटा एंट्री करते वक्त करते हैं और वहाँ पे अगर हमसे कोई गलती बार बार हो रहा है तो उस पर हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अगर कोई भी गलत एंट्री हो तो वो हमें एक मैसेज दे कि आपने यहाँ पे गलत एंट्री किया और उसको हमें सुधार करने का भी मौका दे। तो इन सभी तमाम कामों को करने के लिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं और अपने परफेक्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर एक बन सकते हैं, परफेक्ट डेटा एंट्री कर सकते हैं और बहुत ही कम गलती कर सकते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सारा एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें और लाइक करके हमारा मोटिवेशन बनाए। अगर अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, एक अच्छा डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सके। अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन क्लास लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं, जहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस दी जाती है, प्रॉपर प्रैक्टिकल लैब करवाया जाएगा और बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो अगर आप ऑफलाइन क्लास लेने में इंटरेस्टेड हैं तो हमसे संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो मेरा मिशन है वो कंप्लीट हो सके और सबको एक फ्री एक अच्छा कंप्यूटर नॉलेज मिल सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो लिंक को अपने फेसबुक वॉल, व्हाट्सएप ग्रुप एंड इंस्टाग्राम पेज पे भी शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।